हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण था। आज बता रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बा अप्लाइड मैकेनिक्स। जो इंजीनियरिंग का शुरुआत होता है, जिस चैप्टर का थ्रू, जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बा अप्लाइड मैकेनिक्स, इसमें टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन यूज किया जाता है, कुछ लॉ का यूज किया जाता है। लिफ्टिंग मशीन पे सिंपल स्क्रू जैक, विंच क्रैप, सिंगल विंच क्रैप, डबल विंच क्रैप, वारमैन वार्म व्हील, बेल क्रैंक, जीप क्रैंक, इस टाइप से जितना भी शुरुआती साइंस का लैब्स है, जिसका अपैरेटस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए। दोस्तों, आज मैं टॉपिक रखा हूँ जिसका नाम है लिफ्टिंग मशीन, नाम है वार्म एंड वार्म व्हील। वार्म एंड वार्म व्हील कैसे लिफ्टिंग में काम करता है, इसका एप्लीकेशन का बात करें, जहाँ हेवी टोनों से वजन है, 50 टन, 100 टन, 200 टन, इस टाइप का जब कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने का जरूरत होता है, तो वार्म एंड वार्म व्हील अपरेटस का यूज किया जाता है। जैसा डैम का गेट है, डैम का गेट हैवी प्रेशर रहता है डैम का, उस समय गेट को खोलना है, पानी निकासी को निकलना है, तो वार्म एंड वार्म को यूज किया जाता है। जैसा क्रेन है, हैवी लोडेड क्रेन है, जो क्रेन से जब को सामान को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वार्म एंड वार्म व्हील का यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको ये लाइन डायग्राम के थ्रू, ये हमारा लाइन डायग्राम है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके कैलकुलेशन करके पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ वार्म एंड वार्म व्हील के बारे में। ये जो वार्म है, ये हमारा पुली है जिसमें हमारा लिफ्ट होता है, एफोर्ट कहता है इसको। ये हमारा लोड ड्रम है, ये लोड ड्रम है, और ये हमारा वार्म एंड वार्म टीथ है, ये हमारा वार्म है। ये टोटल चार पार्ट्स होता है, ये सपोर्टिंग गाइड है, पुली, यहाँ से एफोर्ट लगता है, यहाँ से लोड, कितना लोड उठाता है, कितना एफोर्ट का जरूरत पड़ता है, इसका ही कैलकुलेशन है मैकेनिकल एडवांटेज, कितना बेनिफिट मुझे मिल रहा है, दैट इज एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब मैंने 1 kg का लोड उठाना है, तो 25 ग्राम का लोड एफोर्ट अप्लाई करें, 50 ग्राम का एफोर्ट, जैसा मिनिमम होगा उतना हमारा बेनिफिट है इस प्रैक्टिकल करके, नाम जिसका नाम है वार्म एंड वार्म, ये दैट इज वार्म है, और ये हमारा वार्म व्हील है। ये दोनों का रेशियो से ये इसका गाइड काम करता है। इसमें तीन कैलकुलेशन होता है दोस्तों, पहले एम ए, डब्ल्यू अपन पी, लोड अपन एफोर्ट, बी आर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफोर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफोर्ट क्या हो रहा है, ये पुली का डायमीटर इंटू टिथ, डिस्टेंस ट्रेवल लोड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफोर्ट, ये हो गया। उसके बाद होता है हमारा बी आर, दोस्तों बी, ये हमारा इफिशियंसी, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है एम ए अपन बी आर इंटू 100, एम ए अपन बी आर इंटू 100। ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें से, तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद सीधा मशीन पर जाता हूँ, कुछ डेटा का जरूरत पड़ेगा वो डेटा ले लेता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये हमारा मशीन है, ये हमारा एफोर्ट व्हील है, ये हमारा लोड व्हील है, लोड व्हील, एफोर्ट व्हील, ये हमारा वार्म एंड वार्म व्हील। दोस्तों, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर से मेजर करके देखना होता है इसका डायमीटर कितना है, कारण सर्कमफेरेंस ही ट्रांसफर होगा, तो ये हम वर्नियर कैलिपर से ये डायमीटर मेजर करा जाता है, ऐसा ऐसा, ये दो, इसके बाद है टीथ। दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने करके रखा, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम प्रैक्टिकल कर रहा हूं। इसमें जो हमारा डाया पुली है वो है 125 mm, इसके बाद डाया ऑफ वर्म जो है वो है 130 mm, ठीक है, 130 mm। उसके बाद जो हमारा वर्म का टीथ है, ये जो आपके सामने टीथ दिख रहा है, ये है 120, जो हमारे पास अपरेटर है उसमें 125 डायमीटर है, 135 डायमीटर है, और 120 टीथ है, इसमें से हमको एफोर्ट लगाना है और लिफ्ट करना है, एफोर्ट लगाना है, लिफ्ट करना है, और डेटा हमारा पास आ जाएगा। दोस्तों, मैं अभी प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है ये डेटा मेरे पास आ गया है, तो हम सबसे पहले 1 kg, दोस्तों ये 1 kg दिख रहा है, 1 kg का लोड लगा रहा हूँ, ये 1 kg का लोड लगा दिया, देखिए कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से हल्का सा टॉर्क देना होता है, देखिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इनिशियल कंडीशन फिर लेके आता हूँ, इसका इनिशियल कंडीशन हमने मार्क करके रखा, वो इनिशियल कंडीशन आपको बार बार वहां से ही चालू करना है, इसका सेम डिस्टेंस से शुरू करना है, ठीक है दोस्तों। इनिशियल कंडीशन, ये हमारा मार्किंग लाइन है, इस इनिशियल कंडीशन से हमारा और एक मार्किंग कर देता हूँ दोस्तों, ये हमारा इनिशियल है,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अभी कितना लोड लगा, 1 kg लोड लगाया था, एफर्ट कितना लगाया था 50 ग्राम, तो 50 के ये हमने एफर्ट कर दिया 100 ग्राम। इसको इनिशियल टॉर्क इसलिए दिखा देता है, हर मशीन में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन के कारण आपको मिनिमम एफर्ट लगाना होता ही है। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, आपको देखा 1 kg धीरे 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 ऊपर आ गया। तो मेरा पहला रीडिंग आ गया है जो W है 1000, एफोर्ड है 100 ग्राम, 1000 ग्राम और 100 ग्राम। सेकंड रीडिंग हमने 1 kg की जगह 2 kg लगा दिया, 1.2 kg, सेम कंडीशन, इसको आपको लिफ्ट करना है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए दोस्तों, यही है लिमिटेशन है, इसके अंदर थ्रेड्स में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने इनिशियल कंडीशन लिखे हैं, ये हमारा हुक है, एफोर्ड है जो हमने लगा दिया, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, ये मार्क लाई है इनिशियल, इसके बाद हमने और एफोर्ड लगा रहा हूँ, ये एफोर्ड लगा दिया 150 ग्राम का एफोर्ड लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, रीडिंग आ गया है हमारा सेकंड रीडिंग, और एक बार रिपीट करता हूं और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है, इसको इनिशियल टॉर्क देना पड़ता है कारण मशीन में फ्रिक्शन है, गुड। ठीक है, रीडिंग आ गया हमारा 2000 ग्राम के लिए हमारा एफर्ट लगा 150 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा रीडिंग लेने की कोशिश कर रहा हूं, ये तीसरा रीडिंग है, इसके बाद मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ये तीसरा रीडिंग 3 kg, सेम कंडीशन, इसको ऊपर उठाना है, लिफ्ट करना है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये इसका मशीन का लिमिटेशन है। ये इनिशियल कंडीशन आ गया है, नहीं हो रहा है तो हम इसे और एफोर्ट बढ़ाते हैं। हमारा लोड अभी 3 kg है, एफोर्ट हमारा 200 ग्राम हो गया, रिपीट करके मैं दोस्तों चेक करना कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसको इनिशियल टॉर्क इसलिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूं, इसके अंदर मशीन में कुछ फ्रिक्शन है, तो ये हमारा मशीन हमारा प्रॉपर काम कर दिया, 3000 ग्राम के लिए हमारा लगा है 200 ग्राम, ये हमारा डेटा आ गया है, WOP आ गया है, बाकी मेरा डेटा सब हमारा पास है। इसके बाद मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाने वाला हूं जे इसमें इफिशियंसी कितना होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कैलकुलेशन करूंगा, एमए का फॉर्मूला होता है, एमए का फॉर्मूला होता है W/P, पहला हमारा जो W है वो है 1000/100, तो आपके लिए 10, सेकंड का है 2000/150, एक ही कटेगा 200/15, 13.3, एक नंबर, दो नंबर, तीसरा नंबर का जो हमारा है ये है 3000/200, 15। ये हमारा कैलकुलेशन जो है एमए कैलकुलेशन हो गया, पहला एमए 10, सेकंड एमए 13.3, थर्ड एमए हो गया। एबार मैं कैलकुलेशन करूंगा बीआर, वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफोर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड, D/D। इसमें टी जो है हमारा 120 इंटू डी 125 डिवाइड बाई जो स्मॉल डी है वो है 130, 120 इंटू 125, ठीक है दोस्तों, 1/13, तो इसका ये हो गया 115.3 mm। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो हो गया। एक बार दोस्तों मुझे कैलकुलेशन करना है इफिशियंसी, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है एम ए अपॉन
बी आर इंटू 100। एम ए पहला के लिए हमारा एम ए कितना है 10, बी आर कितना है 115.3 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 1000 डिवाइडेड बाई 115.3 8.6% पहला एफिशियंसी हमारा 8.6%, सेकेंड का एफिशियंसी है 13.3 डिवाइड बाई 115.3 इंटू 100, तो कितना हो गया 13.3 इंटू 100 डिवाइड बाई 115.3 11.53। ये हमारा सेकेंड का एफिशिएंसी। थर्ड का एफिशिएंसी निकाले 15 डिवाइड बाय 115.3 इंटू 100 13% दोस्तों, ये जो वार्म एंड वार्म व्हील है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेवी लोडेड काम करने के लिए जिस मशीन का यूज किया है जाता है लिफ्टिंग मशीन के अंदर, जिसका नाम है वार्म एंड वार्म व्हील, जिसका एक एक पार्ट्स सपोर्टिंग बियरिंग वार्म वार्म व्हील लोड इफिशियंसी डिटेल्स मैंने आपके सामने कैलकुलेशन किया, प्रैक्टिकल कैसे करना है वो भी दिखाया, उसके बाद एफर्ट कैसे लगता है, लिफ्टिंग कैसे होता है, हर पॉइंट में आपको दिखाने की कोशिश किया, जिसका इफिशियंसी एवरेज यही होता है जो 15% मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है, जो आपको मैंने करके दिखाया। पहला के लिए हमारा 8.6%, सेकंड है 11.5%, थर्ड के लिए 13%, हर पॉइंट मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। ये लिफ्टिंग मशीन है, इसके बाद और एक पार्ट मैं दिखाने वाला कोशिश कर रहा हूँ मशीन के अंदर। देखिए दोस्तों, मैं लिफ्टिंग मशीन कैसे लिफ्ट होता है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा लोड है, ये हमारा एफर्ट है, इसके बाद मैं घुमाते जा रहा हूँ इसको। देखिए आपके सामने ये लिफ्ट हो रहा है, देखिए ये व्हील घूम रहा है धीरे धीरे, ये धीरे धीरे ये लोड जो है वो लिफ्ट हो रहा है, देखिए आपके सामने लिफ्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे, ये लोड नज़दीक आते जा रहा है, नज़दीक आते जा रहा है, नज़दीक आते जा रहा है। ये मैं घुमा रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, ये घूमते जा रहा है, एफर्ट लगा रहा हूँ, ये घूमते जा रहा है। ये होता है लिफ्टिंग मशीन, जो मैं आपको वार्म एंड व्हील का मशीन। दूसरा नंबर एक लिफ्टिंग मशीन है जो विंच एंड विंच क्रैप सिंगल लिफ्टर, इसमें भी ये एफर्ट लगता है, ये लोड लगता है, एफर्ट लोड, एफर्ट लोड। ये जैसा जैसा इफिशियंसी है, जैसा जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, आपका लोड है, उस हिसाब से मशीन को अप्लाई किया जाता है। सभी लिफ्टिंग मशीन है, जैसे ये आपके सामने स्क्रू जैक दिख रहा है, ये भी लिफ्टिंग मशीन है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से आपको काम करना होता है। जैसा आपका लोड है, जैसा आपका एरिया है, जैसा आपका काम करने का कंडीशन है, उस हिसाब से काम करना होता है दोस्तों। ये लिफ्टिंग मशीन वार्म एंड वार्म व्हील, जिसको जो जो क्राइटेरिया से गुजरता है, जो एप्लीकेशन होता है, मैं पूरा दिखाने की कोशिश किया, लिफ्टिंग कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस करके दिखाया। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।